कुत्ता खाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो आज गुरु नानक जयंती है, आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मेरा फास्ट है क्योंकि आज है शुक्रवार। आप सभी को पता है कि मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखती हूँ, तो बस हेयर वॉश कर लिया है, पूजा हो चुकी है, चाय मैंने पी ली है, तो सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो सामने बंदर और पीहू दिखा रही है चेरी को, क्योंकि चेरी को बंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी दिखाती हूँ ये क्या, थोड़ा सा दूर है अभी, इसको दिख नहीं रहे हैं अच्छे से, थोड़ा जब पास में आएंगे तब दिखाऊंगी। तो आज इनकी भी छुट्टी है आज, तो बस अभी इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि लेट हो चुकी हूँ नाश्ते बनाने में। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत तो हो ही चुकी है। तो ये देखिए, मिल लीजिए मेरे पति देव से, इनको भूख लग रही है और ये बिस्किट खाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये नाश्ता जब ऑफिस जाते हैं तो 9 बजे से पहले ही कर लेते हैं और अभी 11 बज रहे हैं, तो इनको बहुत जोरों से भूख लगी है। तो खाएंगे। आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, आज ये नाश्ता बनाने वाले हैं। क्या बनाओगे नाश्ते में? क्योंकि मेरा तो है फास्ट, तो आज यही नाश्ता बनाएंगे। और पीहू भी नहा चुकी है, भाभी गई है नहाने के लिए, तो ये मिल लीजिए मेरी पीहू से। तो चलिए अभी फटाफट से बना लेते हैं नाश्ता। नाश्ता मेरा बन चुका था, तो बस अभी भाभी के हेयर वॉश किए हैं और भाभी अपने हेयर वॉश ढंग से नहीं कर पाती है, इसी वजह से मैं ही करती हूँ। और इसी वजह से मैंने पीहू के भी बाल कटवा दिए, क्योंकि दोनों के बाल की मैं केयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे भी बाल लंबे हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं भाभी की कंघी कर रही थी और पीहू को थोड़ा डांट रही थी, क्योंकि पीहू बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है, कभी वो जूती पहनती है, कभी वो शूज पहनती है, बार बार उनको उतारना निकालना इसका यही काम होता है। तो बस मैं थोड़ा सा इसको डांट रही थी क्योंकि मुझे परेशान करती है पहनाने के लिए। तो यहाँ पे पीहू करा रही है चेरी को डांस और इसको इसी तरीके से ये बैठाती है। अभी टाइम कहाँ हुआ है इसका, भूख लग रही है, देख देख कैसे देख रही है, क्या खाना है? तो सारा काम मेरा फिनिश हो गया है और अभी मुझे लग रही थी भूख, मन कर रहा था कुछ खाने का, फिर सोचा चलो एक एप्पल ही निकाल लेती हूँ, फ्रूट में मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जो ये लेकर आए हैं ये अच्छे हैं। तो सामने भाभी बैठी थी, उसी से ही बातें कर रही थी। भी बोलिए। बहकाई हूँ। देख देख। गलत हो गया चेरू। चेरू गलत हो गया। हम आप सही बता दी। गुड गर्ल। क्या बिस्किट खाए? और अच्छा काजू, मैं सोच चेरी के बिस्किट खा गए का। तो मैं बड़े आराम से यहाँ पर सेब खाने में लगी हुई हूँ और ये आ गए हैं, ये मुझे यहाँ से भगाने पर तुले हैं, बोल रहे हैं कि अब तू यहाँ से चली जा, मुझे अपना काम करना है। तो बस अब इनकी हो गई है मीटिंग शुरू, ये बैठ गए हैं अपना मीटिंग में। तो मैं अपने एप्पल अंदर लेके चली गई थी,
तो अभी हम आ गए हैं, शाम का टाइम है, हम आ गए हैं मार्केट में क्योंकि मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना था और बच्चों के लिए मुझे शूज़ भी लेने थे क्योंकि जो पहले इनके शूज़ हैं वो टाइट हो चुके हैं, बढ़ता हुआ पैर है, तो बस मैं मार्केट में ही आई हूँ। ये पैर ठीक है और चाहिए कुछ? ये वाला देखे ना, ये देखे लोच है ना, ये वाला, लेकिन ये चला ब्लैक है। से घर और घर पे आके मैंने बच्चों के लिए खाना डाला है, चैनी के लिए खाना बनाया था क्योंकि इसके लिए मैं बना के नहीं गई थी। और आज हमने डिनर में बनाए हैं चावल, सिंपल चावल हैं दही के साथ, तो दोनों खाने में लगी हुई है क्योंकि इन दोनों का बहुत फेवरेट है। तो आज मैंने चावल इसलिए बनाए हैं क्योंकि आज ये घर पे नहीं है, अभी जस्ट अभी निकले हैं ये हमको छोड़ के, तो इनका आज बाहर डिनर है अपनी फ्रेंड के साथ। तो जो इनके फ्रेंड है वो बाहर रहते हैं तो काफ़ी दिनों बाद आज मिले हैं ये सब, तो आज इनकी छुट्टी भी थी तो इन्होंने इतनी छुट्टी का फ़ायदा उठाया है। तो बस मैं तो खाना खा के गई थी क्योंकि मेरा फास्ट था, तो मैंने जल्दी से फटाफट खाना बना लिया था क्योंकि मार्केट भी जाना था, पहले ही मैंने सोच के रखा था कि आज मार्केट जाऊंगी। तो बस अभी मार्केट से आने के बाद अब मेरा मन कर रहा है गर्मा गर्म चाय पीने का, तो मैं अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ। और चेरी भी खा के आ गई है, बाहर की तरफ देख रही है। आज बाहर मैं स्वेटर पहन के गई थी क्योंकि हल्की हल्की सी मुझे ठंड लग रही थी। और हम दोनों ने आज एक साथ पूजा की है, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपने आप ही आके पूजा में बैठ गए थे, तो अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही कम होता है जब ये मेरे साथ पूजा करते हैं। तो आज शुक्रवार था, इनकी छुट्टी भी थी, तो बस इसी का फ़ायदा उठा लिया हम दोनों ने। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ चाय क्योंकि मेरा चाय का बहुत मन कर रहा है। सपोर्ट कीजिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, तो मैं रोज़ व्लॉगिंग करूँगी, दिन छोटा होता है आप सभी को पता है, मेहनत बहुत हो जाती है, तो सपोर्ट कीजिए और आगे मेरे जो व्लॉग है उसको शेयर भी कीजिए ताकि आज जो और लोग भी हैं वो भी देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।